हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम ईशा के आप लोग देख रहे हैं स्ट्रीट कार्स एंड बाइक्स। तो आज का वीडियो आपको पता चल गया होगा क्योंकि थंबनेल आप लोग देखा होगा। थंबनेल में जो लिखा है बाय बाय टू टाटा नैनो CX और वेलकम टू टाटा नैनो LX। तो मेरी जो पुरानी गाड़ी है, इतना दिन से मैं चला रहा था, इतना दिन मैं मॉडिफिकेशन या रिपेयर जो भी कर रहा था वो टाटा नैनो CX के ऊपर मैं करता था। लेकिन आज अभी मैं उसको बेच के फिर टाटा नैनो LX को ख़रीद लिया हूँ, उसी को आज आपको दिखाने वाला हूँ। यही टाटा नैनो LX है, ये पूरा टाटा नैनो LX है। अब उसका बैजिंग आप लोग देख सकते हैं, इधर LX बोल के है। तो आज का वीडियो में मैं टाटा नैनो CX और LX इन दोनों का डिफरेंस, मतलब जो जो फीचर्स मिलता है वो क्या क्या है, जो वो गाड़ी में नहीं मिलता है ये गाड़ी में मिलता है, वो आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग को टाटा नैनो LX में अब बाहर के तरफ से देखेंगे तो आपको जो बम्पर मिलता है वो बॉडी कलर्ड बम्पर मिलता है। तो बेसिकली जो टाटा नैनो CX में आपको ये ब्लैक कलर मिलता है, वह एक स्टैंडर्ड वर्शन है, इसलिए आगे और पीछे दोनों तरफ आपको ब्लैक कलर मिलता है। लेकिन आप इधर देख सकते हैं ये बॉडी कलर्ड बम्पर आपको इसमें मिलेगा। आप पीछे भी आपको दिखा देता हूँ, उसी तरफ पीछे में भी आपको कलर्ड बम्पर इधर मिलता है। जो सिल्वर कलर है वही कलर आपको बैक साइड में भी मिलता है। तो इसको इसके वजह से एक लग्जरी फील इसमें एक गाड़ी में। दूसरा चीज़ हम लोग को मिलता है, आप लोग देख सकते हैं इसमें, उस गाड़ी में भी हम लोग को ड्राइवर साइड में कंपनी का मिरर मिलता है, लेकिन CX मॉडल में पैसेंजर साइड आपको मिरर नहीं मिलता है। लेकिन इस गाड़ी में हम लोग को मिलता है, इस साइड में हम लोग को पैसेंजर साइड भी हम लोग को साइड मिरर हम लोग को मिलता है। सो तीसरा पॉइंट आता है हम लोग का गाड़ी के रियर साइड मिरर के ऊपर ये स्पॉइलर, ये LX में आता है, CX में ये वाला नहीं आता है। जो भी स्टैंडर्ड वर्जन से किसी में भी ये स्पॉइलर नहीं आता है, बस LX मॉडल और जो ट्विस्ट XTA XC SC ऐसा सारे मॉडल में आपको ये वाला स्पॉइलर आपको मिलता है। ये गाड़ी का बैजिंग इधर लिखा है कि ये टाटा नैनो LX का स्पेशल एडिशन है। तो इसलिए हम लोग को क्या है, चार एलो व्हील भी मिलता है, आप लोग देख सकते हैं एक दो। फिलहाल इस गाड़ी में दूसरा तरफ एलो व्हील्स लगा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है इसलिए हम लोग निकाल के रखा है, बाद में हम लोग अलॉय व्हील को लगा देंगे। ये अलॉय व्हील हम लोग को गाड़ी को आउटसाइड से बहुत अच्छे से लुक देगा, लोग देख सकते हैं। इसमें भी थ्री होल का PCD 100 का हम लोग को अलॉय व्हील मिल रहा है, तो ये गाड़ी को अच्छा से लुक देगा। तो नेक्स्ट हम लोग का जो फीचर इसमें मिलने वाला है, आप लोग देख सकते हैं ये जो ब्लैक फिनिशिंग है, ब्लैक मैट फिनिशिंग, ये जो कवरिंग है ये स्टैंडर्ड व्हीकल्स में नहीं आता, स्टैंडर्ड नैनो में नहीं आता है। आप जैसे CX में और कुछ कुछ CNG के मॉडल में भी नहीं आता है, आपको बस LX मॉडल से पूरा कवरिंग स्टार्ट हुआ है। ये भी एक अच्छा लुक देता है हम लोग को ये पूरा। नेक्स्ट हम लोग को फ्रंट बम्पर में हम लोग को इधर फॉगलेट्स देखने के लिए मिलते हैं, वो टाटा नैनो CX में ये वाला फॉगलेट्स आपको नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये वाला रबर बीडिंग टाटा नैनो LX के बाद सब मॉडल में मिलता है आपको, टाटा नैनो CX में नहीं मिलता है। ये भी एक डिफरेंस है टाटा नैनो LX के LX और CX के बीच में। तो हम लोग को डलवानी है तो टाटा नैनो CX में अलग से ख़रीद के हम लोग को ये रबर वाला बीडिंग को हम लोग को बिठाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग गाड़ी के अंदर बैठा है। अभी इस गाड़ी के अंदर टाटा नैनो CX में क्या नहीं मिलता था और टाटा नैनो LX में क्या मिलता है बोलने से सबसे पहले हम लोग को सेंट्रल लॉकिंग देख सकते हैं। ये इनबिल्ट सेंट्रल लॉकिंग हम लोग को मिलता है, एक बार लॉक करने से सारा डोर्स आपका लॉक हो जाएगा, एक जगह से आप लोग सारा चारों डोर्स को आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट है जो अपडेटेड है जो CX से लेके LX में। और दूसरा पॉइंट आता है अंदर में, आप लोग देख सकते हैं जो ये पावर विंडोज़ है इसमें, टाटा नैनो CX में तो आपको रोटेटरी टाइप विंडो मिलेगा, ग्लास को हमको रोटेट करके उसको उठाना पड़ेगा। लेकिन इसमें हम लोग देख सकते हैं एकदम पावर विंडोज़ आगे के दोनों डोर में हम लोग को पावर विंडोज़ मिलता है। उसका जो स्विचेस है इधर हम लोग देख सकते हैं, इधर दो स्विचेस दिया है, इसी को ये करते हम लोग इन दोनों आगे वाला डोर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट डिफरेंस जो है आप लोग देख सकते हैं इधर जो होल्डर दिया है, ये होल्डर आपको टाटा नैनो CX में नहीं मिलेगा। हम अभी ऐसे ही टाइप का चारों डोर में लगा होता है,
आप लोग कुछ पेपर गेपर रखने के लिए या छोटा मोटा चीज़, जैसे मैं अभी इसमें कटिंग नेट डाल के रखा हूँ, ऐसे जो छोटा मोटा चीज़ डालने के लिए आपको चारों तरफ डोर में ये वाला चीज़ आपको मिलता है। तो और इस अपडेट में और मिलने वाला है आपको ये इनबिल्ट स्पीकर, कंपनी के साथ ही आता है ये, कंपनी के साथ ही ये स्पीकर सब में लगा होता है, आगे वाला दो डोर में ये स्पीकर लगा होता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डिफरेंस जो आता है आप लोग देख सकते हैं, इधर हम लोग को कैबिन लाइट दिया गया है, इसमें और एक ऑप्शन ऐड हुआ है जैसे ऑन डोर ऑफ। हम लोग अगर अभी मैं डोर में रखा हूँ, डोर बोल के ऑप्शन जो है उसमें रखा हूँ, उसके वजह से क्या है, कभी भी मैं आगे वाला दोनों डोर में से किसी भी एक डोर खुलेगा तो ये लाइट ऐसे जलने लगता है, ये वाला ऑप्शन भी उसमें नहीं है, ठीक है, डोर डालने से फिर से बंद हो जाएगा लाइट। ये एक एडवांटेज है, अच्छा फीचर है, हम लोग को जब भी डोर खोलेंगे लाइट जलेगा। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगला डिफरेंस है CX और नानो LX में, वो है क्लस्टर में हम लोग देख सकते हैं एक ट्रिप मीटर दिया है, लोग को दिखाता हूँ। ये वाला ट्रिप मीटर का ऑप्शन आपको टाटा नैनो CX में नहीं मिलता है, और टाटा नैनो LX में आपको मिलता है। आप इसके ज़रिए अभी देखिए, मैं बटन प्रेस करके दिखाता हूँ, अभी का जो ट्रिप रीडिंग है 211, मतलब जो गाड़ी मैं ख़रीद कर लेकर आया हूँ उस जगह से एक ट्रिप डाल के रखा था मैं, तो इधर वो दिखा रहा है कि ट्रिप इतना हुआ है, 211 किलोमीटर्स रन हुई है। तो ये वाला फ़ीचर टाटा नैनो CX में नहीं है, इसमें एक एडेड फीचर है। जो लास्ट डिफरेंस है जो टाटा नैनो CX और LX में, वो है इधर सिगरेट लाइटर के लिए 12 वोल्ट का ये दिया है, हम लोग इसमें 12 वोल्ट का पोर्ट से हम लोग मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग करने के लिए हम लोग चार्जर इसमें घुसा के हम लोग का मोबाइल्स को चार्ज कर सकते हैं, ये एक फ़ीचर है, वो टाटा नैनो CX में हम लोग को नहीं दिया है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में बस इतना ही है, मैं आशा करता हूँ मैं आप सब लोग का मेरा इस वीडियो पसंद हुआ होगा, जो होता है ये डिफरेंस आपको अच्छा से पता चल गया होगा। ये अगर मेरा वीडियो आपको पसंद हुआ है तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।